गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग अबाउट द सिमिलर ट्रायंगल्स। सम प्रॉपर्टीज वी हैव ऑलरेडी गिवन यू इन प्रीवियस वीडियो एंड लेक्चर। कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। अब एक एक फैक्ट्स को हम, चूंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबा होता है तो वो प्रॉपरली सेंड नहीं हो पाता है, तो अब छोटे छोटे वीडियोज, एक एक फार्मूले का एक एक वीडियो आपको सेंड करता हूँ। कुछ और फैक्ट्स जान लें, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं कुछ और रिजल्ट जो बेस्ड हैं सिमिलर ट्रायंगल्स पे, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट रूल्स बेस्ड ऑन द सिमिलर ट्रायंगल। तो सबसे पहला जो रूल है, इसे आप एक थ्योरम भी समझ लें, कब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब की बात कर रहे हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, मैंने पहले बताया कि अगर ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है, यानी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तब की बात करना है, तो वो सिमिलर हो जाएगा ए ए ए सिमिलरिटी से। और अगर दो ही हैं तब भी वो सिमिलर होता है, आप जानते हैं ए ए सिमिलरिटी वहाँ यूज होती है। लेकिन यहाँ अगर सारे एंगल इक्वल हैं, यानी इफ द ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, देन द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। मतलब क्या हुआ, देखें, सपोज करिए कि ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। वी हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर इक्वी एंगुलर है। इक्वी एंगुलर मीन्स इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। That means if the corresponding angles are equal, in triangles, इस केस में क्या होगा, आपके तीनों एंगल corresponding angles equal हो गए, तो फिर क्या कह रहा है कि corresponding sides का ratio उस पे altitude के ratio के equal होता है। corresponding side का क्या मतलब है, जैसे अगर हमने यहाँ perpendicular draw किया है, AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC, ये given है, and here PS is perpendicular to QR, यानी यहाँ AD BC पे perpendicular है और यहाँ PS QR पे perpendicular है। तो अब क्या है question कि जिस side पे perpendicular draw हुआ है, अब AD किस पे perpendicular है, BC पे, तो BC upon QR, ये perpendicular QR पे है, तो BC और QR का जो भी रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होगा। अब ये साइड्स क्या है, आप BC यहाँ क्या है QR, एल्टीट्यूड क्या है AD और एल्टीट्यूड क्या है PS, तो BC अपॉन QR विल बी इक्वल टू AD अपॉन PS। ये है इफ द ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, देन द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ The altitudes drawn over the sides, यानी जिस भी, अब सपोज करिए कि हमने AC पे मान लिया कोई परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, अब इस केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर किस साइड पे हमने ड्रा किया, नाउ अब सपोज करिए E है, therefore BE is perpendicular to AC, इस केस में हमने सपोज करिए कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया T, हियर PQ, PR इज परपेंडिकुलर टू PQ, इस केस में क्या हो जाएगा, आपका थ्योरम वही है, करस्पॉन्डिंग साइड्स बदल गई और एल्टीट्यूड बदल गया। यहां करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल की क्या हो गई, AC हो गई, अपान यहां करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ हो गया, दैट विल बी वैल्यू इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड। इस पे क्या एल्टीट्यूड है, BE, और दूसरा एल्टीट्यूड इस पे क्या है, TR। तो ये थ्योरम आपको मिला कि अगर साइड्स, अगर ट्रायंगल इक्वी एंगुलर्स हैं तो उस पे करस्पॉन्डिंग उन साइड का रेशियो, उस पे ड्रॉ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के रेशियो के इक्वल होता है। इस थ्योरम को याद रखें, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरा थ्योरम।